हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं यादव गला चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे पास में है भाई पोलो, वॉल्स वैगन पोलो, पोलो पोलो कर रहा हूँ बार बार, वॉल्स वैगन की पोलो 2013 वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट, 3 सिलेंडर गाड़ी है ये, 3 सिलेंडर जो कि पेट्रोल में आई थी। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके लिए, तो गाइस पुरानी वीडियोज़ जाके चेक आउट करें, उसमें सारे के सारे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। आज हम इसका ना टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं, भाई ये ड्राइव पर कैसी चलती है। कुछ इस तरीके की इसकी चाबी दी हुई है, आप देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, चाबी की फ़िलिप का फ़िलिप चाबी दी हुई है। इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, डिग्गी को ओपन करने के लिए मिल जाएगा और नॉर्मली आपको लॉक और अनलॉक मिल जाएगा दोनों का दोनों। ये अपने सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ये रहा मैं, कैसा लगा आपको। मैं गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी का सबसे पहले गेट खोलते हैं फटाफट, वैसे भी अपन लेट हो रहे हैं, शाम का टाइम है गाइस। भाई हम गाड़ी के अंदर एंट्री कर चुके, कुछ इंटीरियर इस तरीके का है पूरा का पूरा, गाड़ी का गजब का इंटीरियर लग रहा है, ठीक है। ये हमने कर ली भाई चाबी अपनी ऑन, ये हमने चाबी इसके अंदर लगा दी फटाफट, ठीक है, कर दी ऑन गाड़ी। गाड़ी कुछ इस तरीके की ऑन होगी, आप देख सकते हैं सामने मीटर पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इंटीरियर इस तरीके का है, हम अपने अकॉर्डिंगली हमने अपनी सीट वो कर ली सेव, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आरपीएम मीटर भी काफी अच्छा है, काफी ऊपर जा रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा है। 3 सिलेंडर गाड़ी है। इसका जो बैक गियर है ना, वो गाइस ऐसे और ऐसे डलेगा बैक गियर, ठीक है, दबा के नीचे गिरेगा। ये देखो पीछे जा रही है गाड़ी, ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो पीछे जा रही है गाड़ी, ठीक है। अब जरा आगे लेते हैं हम इस गाड़ी को, इसका गियर हम इस तरीके से उतारेंगे, इसको ऐसे और ये फर्स्ट गियर में लेंगे। इसका एसी भी हम चेक कर लेते हैं गाड़ी का, हमने एसी चालू कर दिया और भाई अपना 18 पे कर दिया, बिल्कुल लो पे, ठीक है। अब गाड़ी को थोड़ा सा चलाकर देखते हैं, काफ़ी अच्छी चल रही है भाई गाड़ी, जिस तरीके से हम इसकी रेस वगैरह दे रहे हैं। भाई 3 सिलेंडर गाड़ी है ना, 2013 में वॉल्स वैगन ना खेल कर दिया था इसका भाई, 2013 में ही खेल कर दिया था गाड़ी का, तो आप सोच सकते हैं कितनी प्यारी गाड़ी और भयानक गाड़ी बनाई थी उस समय पे। इसमें सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको चाइल्ड कंट्रोल भी मिल जाएगा, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगी, पावर विंडो मिल जाएंगी, स्टेयरिंग को अप डाउन करने के लिए सिस्टम मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एसी कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल। देखो गाइस मैं स्पीड दे रहा हूँ गाड़ी की, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ से इसकी हेडलाइट ऑन हो जाएंगी, ये हेडलाइट ऑन होगी, अब आपको सारी चीज़ें देखेंगी प्रॉपर तरीके से, तब आपको दिख नहीं रही थी। हम थोड़ा सा इधर चलेंगे गाड़ी को लेकर, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे भाई, डर रहता है वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वैसे गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चल रही है, 168 का ग्राउंड क्लियरेंस है, भगाने में काफी अच्छी गाड़ी है। ये देखो मैं जैसा भगा रहा हूँ गाइस, काफी बेहतरीन भगी, और ये हमने इसको मोड़ दिया फटाफट पूरा भाई, एक बार में राउंड अप लिया गाड़ी का, जो कि बहुत प्यारा था। ये देखो रोड कैसी हो गई, क्योंकि हमने इसकी कुछ ऑफ रोडिंग टेस्ट भी किए, जब गड्ढों में पटक रहे हैं हम इस गाड़ी को, पूरा पूरा चेक कर रहे हैं गाड़ी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है भाई, चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली गाड़ी ड्राइव हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पेट्रोल इंजन ना सबसे अच्छा है गाइस लेने के लिए फिलहाल में। गाइस जैसा मैंने आपको बताया भाई, ये गाड़ी चलने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ही है, और भाई आप देख सकते हैं कितनी प्यारी तरीके से हमने इसकी ऑफ रोडिंग भी की, ऑन रोडिंग भी की। हमने इसको नॉर्मली 4 से 5 किलोमीटर चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया, अभी हम इस गाड़ी को रखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस गाड़ी की जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, 2013 की प्राइस ही बताऊंगा एक्चुअली, ठीक है, 5,33,000 से स्टार्टिंग होती है ये गाड़ी, और 8,45,000, ये दोनों वेरिएंट है काफ़ी सारे, जो कि इन दोनों प्राइस के बीच में आ जाएगा। 5,35 से स्टार्ट होती थी, ठीक है, वो सॉरी 5,33 से स्टार्ट होती थी और ये 8,45 तक जाती थी, ये अपनी प्राइस। और अगर किसी को ये गाड़ी परचेज करनी हो तो ये सेल भी हो रही है, तो आरजे ऑटो सेल्स पे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये गाड़ी 2,70,000 या 2,90,000 में आपको मिल जाएगी, और वैसे इसकी जो एक्सोरूम मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कुछ इस तरीके की थी। बाकी मैं आपको इसके ना कन्फर्म प्राइस भी बता देता हूँ, इस गाड़ी की जो उस समय की प्राइस थी ऑन रोड वो थी 7,40,256 रुपये। आपको प्राइस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और एक्स शोरूम जो इस गाड़ी का था ना भाई, ये टॉप वेरिएंट है, 3 सिलेंडर पेट्रोल वेरिएंट था उस समय का, तो इस गाड़ी की एक्स शोरूम जो प्राइस थी वो थी 6,57,300 रुपये। आरटीओ था भाई 46,011 रुपये का, इंश्योरेंस था अपना 36,945 रुपये का, और कुछ अदर चार्जेस मान लो 10-20 हज़ार के, तो ऑन रोड ये पड़ती थी 7,40,256 रुपये में, और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा मान लो तो आपको 7,50,000 में ऑन रोड आपको आ जाती थी। आपको ये प्राइस कैसी लगी मुझे कमेंट करें।
गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद वंदे मातरम। बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। बाय बाय।